तो कल हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीज देखी थी, एंड दैट वाज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं हमने वो देखा था, और पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है हम लोगों ने वो देखा था। तो मैं क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या और पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस कवर मतलब क्या, क्योंकि आगे के सारे कॉन्सेप्ट इन चीज़ों पर डिपेंड है। तो वी स्टार्टेड विथ चैप्टर 3, विच इज बेसिकली मोशन इन अ प्लेन। तो सबसे पहले तो मोशन हमने डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस। तो मोशन, बेसिकली मोशन क्या होता है? मोशन इज चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑलराइट, तो हम लोगों ने इनिशियली ये देखा था कि मोशन के तीन डिफरेंट कैटेगरीज कर सकते हैं हम लोग। पहला था जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, मतलब बेसिकली हम लोगों ने एक लाइन ले लिया है और उस लाइन पे ऑब्जेक्ट इट इज़ मूविंग, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव हो सकता है, वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव हो सकता है। बट इन जनरल द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अ सिंगल लाइन हियर। तो वन डायमेंशनल मोशन था। और मैंने ये भी बताया था कि जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स करना होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेरा मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर एक ओरिजिन फिक्स करना होता है। तो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एट टाइम t1, अगर उसका पोजिशन x1 है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पोजिशन जो है उसको हम लोग एक वेक्टर से बता सकते हैं, एंड दैट वेक्टर बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन x1 बार। इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशन वेक्टर, क्योंकि मैंने आपको वेक्टर्स सिखाते वक्त बताया था कि पोजिशन वेक्टर वो वेक्टर होगा जो एक ऑब्जेक्ट का या फिर एक पॉइंट का पोजिशन बताएगा, और वो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होगा हमेशा। अगर वो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम उसको पोजिशन वेक्टर नहीं बोल सकते, राइट? तो पोजिशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। यही ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव होते होते एक दूसरे पोजीशन पे आ गया, x2 एट टाइम t2। नोटेशन स्ट्रिक्टली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आई एम यूजिंग t1 फॉर द इनिशियल रीडिंग। बहुत जगह पे t0 यूज होता है, सो इट्स अप टू अस। तो द ऑब्जेक्ट हैज़ मूव टू पॉइंट x2 एट टाइम t2, इट इज़ एट x2। तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं एक नए वेक्टर से बता सकता हूँ, और वो वेक्टर स्टार्ट होगा ओरिजिन से और ख़त्म होगा x2 पे, तो दैट इज x2 बार, राइट? गुड। तो फर्स्ट थिंग इज, हमारे इस केस में पार्टिकल कहीं पे भी हो उसका पोजीशन हम वेक्टर से बता सकते हैं, और उस वेक्टर में एक ही कंपोनेंट होगा। जैसे यहाँ पे x1 बार जब वो x1 पोजीशन पे था, x2 बार जब वो x2 पोजीशन पे था, लेकिन एक ही कंपोनेंट है। एक्स यू वोंट सी वाई और जेड कंपोनेंट। तो ऐसे मोशंस को हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, राइट? उसके बाद देर कैन बी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशनल प्लेन। तो हो सकता है ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में कहीं पे भी घूम रहा है। एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सो लेट मी टेक दिस ऑब्जेक्ट हियर। जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो बेसिकली उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है, राइट? तो जब हम लोग एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम उस पार्टिकल का पोजिशन लेट अस से पी बताना चाहते हैं, तो मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, उसको हम लोग बोलेंगे आर बार। और जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि पोजिशन वेक्टर आर बार फॉर अ टू डायमेंशनल वेक्टर इज गिवन बाय एक्स बार प्लस वाई बार, या फिर टू बी प्रिसाइज हमने ऐसा लिखा था आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो ये आर बार का कंपोनेंट होगा आर एक्स, या फिर अगर आर एक्स नहीं यूज करना है तो आप एक्स आई कैप और वाई जे कैप भी यूज कर सकते हो। नोटेशन डजेंट मैटर, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आई कैप और जे कैप दोनों आ गए, मतलब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे मोशन को
जिस मोशन को हम लोग दो कंपोनेंट से डिनोट कर सकते हैं. मोशन का मतलब पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर विच हैज टू कंपोनेंट्स. तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन. या अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टू डायमेंशनल मोशन में पोजिशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं इन शॉर्ट. सिमिलरली थ्री डायमेंशनल मोशन में के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि हमने एक बॉक्स लिया था, क्यूबिकल बॉक्स लिया था. और ये क्यूबिकल बॉक्स मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि 12th में हम लोग क्यूबिकल बॉक्स में गैस लेने वाले हैं और गैस का प्रेशर डिराइव करने वाले हैं, इसलिए यहीं से स्टार्ट कर देंगे हम लोग. तो क्यूबिकल बॉक्स में अगर एक पार्टिकल मूव हो रहा है तो दिस पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग थ्री डायमेंशन. वाई? बिकॉज इट हैज थ्री एक्सिस, एक्स, जेड एंड वाई. Let us say y is here. तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मुझे उस पार्टिकल का या उस ऑब्जेक्ट का या उस गैस मॉलिक्यूल का पोजिशन बताना है तो दैट वेक्टर विल हैव थ्री कंपोनेंट्स, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप. मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, इतना आपके टेक्स्टबुक में डिटेल नहीं है, बट आई वॉन्ट यू टू नो दिस, राइट? तो जब ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव होता है वन डायमेंशनल मोशन, जब एक प्लेन में मूव होता है तो टू डायमेंशनल मोशन, जब स्पेस में मूव होता है तो थ्री डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल मोशन मतलब क्या? उसके पोजिशन वेक्टर के पास एक ही कंपोनेंट होगा, एक्स आई कैप या फिर वाई जे कैप या फिर जेड के कैप, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन. टू डायमेंशन में दो आई कैप जे कैप दोनों आ जाएंगे, या फिर जे कैप के कैप आएगा, या फिर आई कैप के कैप आएगा, डिपेंड एक्स वाई प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में है, उस पर डिपेंड करता है बेसिकली वो, राइट? और जब स्पेस में मूव होता है ऑब्जेक्ट तो उसका पोजिशन वेक्टर के तीन कंपोनेंट होते हैं. अब हम लोगों ने 2D और 3D मोशन को फिलहाल साइड में रखा था. हमने बोला कि रेक्टिलिनियर मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं. तो जैसे यहाँ पे मैंने पहला डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इस पहले डायग्राम से ही हम लोग पहला कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट ला सकते हैं. एंड इफ यू रिमेम्बर, डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने एस बार या फिर डेल्टा एक्स बार. डेल्टा एक्स बार क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन. तो एक्स टू बार माइनस एक्स वन बार मतलब फाइनल पोजिशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट? So displacement of an object moving along a line can be defined as the change in position vector, right? Because there is a change in position vector. X2 bar is new position vector. X1 bar was initial. So final minus initial was displacement. और मैंने आपको बताया था vector quantity है, तो magnitude होगा और direction होगा. तो magnitude is basically X2 minus X1 and direction is along the line of motion. अगर x1 से x2 जा रहा है तो डायरेक्शन इज ऑल्सो फ्रॉम x1 टू x2. अगर ऑब्जेक्ट x2 से x1 जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज ऑल्सो नेगेटिव माइनस आई कैप बेसिकली. ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन लेंथ का है, ये सब बेसिक चीजें हमने ली थी. उसके बाद मैंने एक चीज और इंट्रोड्यूस किया था, दैट वॉज पाथ लेंथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो पाथ लेंथ या फिर टोटल डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा था ये. तो मैंने आपको बताया था लेट अस से कि एक ऑब्जेक्ट पहले पोजीशन वन पे है, वन मीटर पे है. नंबर शायद चेंज हो जाएं लास्ट लेक्चर से, आई डोंट केयर फॉर नंबर्स, नंबर्स आर जस्ट नंबर्स टू टेल यू व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था टाइम टी वन पे वो वन मीटर पे था अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देन वो गया नाइन मीटर पे, देन वो वापस आ गया सेवन मीटर पे. तो इस केस में अगर आप टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना था, वन से नाइन, मतलब नाइन माइनस वन एट, और फिर उसके बाद वापस सेवन पे आया तो टू मीटर और. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड वॉज एट प्लस टू, दैट इज टेन मीटर. इसको हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ. The total distance covered by an object in motion is called as path length. कितना distance cover किया, right? But अगर मैं displacement की बात करूँ तो displacement के लिए तो basically x1 bar मतलब initial position 1 meter की थी,
तो मैं लिख दूंगा वन आई कैप मीटर। फाइनल पोजिशन 7 मीटर पे है तो मैं x2 लिख दूंगा 7 i कैप मीटर, राइट। और डिस्प्लेसमेंट में अगर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा डेल्टा x बार, दैट इज x2 बार माइनस x1 बार, दैट इज 7 i कैप माइनस 6 i कैप मीटर। तो सॉरी 7 i कैप माइनस 1 i कैप मीटर, तो 6 i कैप आ जाएगा, राइट। तो ये जस्ट रिविजन पार्ट था, तो दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर एंड देयर। तो आइडिया ये है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते वक्त आप फाइनल पोजिशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर करते हो, यू डोंट केयर कि पार्टिकल कितना घूम के आया है, इनिशियल पोजिशन वैक्टर फाइनल पोजिशन वैक्टर सब ट्रैक्शन, दैट्स इट। बट पाथ लेंथ की हम जब बात करते हैं, उस केस में हमको टोटल डिस्टेंस कवर देखना होता है। तो यहाँ तक हमने कल किया था और आज हम लोग इसके आगे जाएंगे। वी विल डिफाइन व्हाट इज स्पीड एंड देन वी विल डिफाइन व्हाट इज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड सो ऑन। तो स्पीड मतलब क्या, बहुत सिंपल है। अभी आपने देखा रिलेटेड टू लेंथ, रिलेटेड टू एल रेज टू वन, दो क्वांटिटी थी, एक स्केलर थी जिसको आपने पाथ लेंथ बोल दिया, एक वेक्टर था जिसको आपने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। तो अभी मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफाइन कर सकता हूँ। तो स्पीड मतलब होता है रेट एट विच द डिस्टेंस इज चेंजिंग, या तो फिर रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हो, विद टाइम भी बोल सकते हो। तो स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, the rate of distance covered with time is called as speed, या फिर the ratio of total distance covered और बेसिकली पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टाइम, टू दैट ऑफ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस, ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस। Is called as speed, right? तो basic है, क्योंकि हमने speed को define कैसे किया, just distance upon time, distance scalar, time scalar, तो speed scalar. तो what you can say is speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. Scalar quantity मतलब it is, it can be completely described by just a number which is called as magnitude, okay? तो इसके पास सिर्फ magnitude होगा, तो एक value बता दोगे तो complete description मिल जाएगा। So speed is a scalar quantity having symbol v. So हम लोग normally symbol v use करेंगे, not bar, just v. दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसके dimensions क्या है। So you already know what are the dimensions of speed. किया है ना हमने, एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन मीटर पर सेकेंड होता है, तो एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन होता है। सो डायमेंशन आर एल वन टी माइनस वन, और आई जस्ट राइट इट समवेयर हियर, डायमेंशन आर एल वन टी माइनस वन। तो डायमेंशन है तो यूनिट्स मिल जाएंगे, एस आई यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, ओके गुड। नाउ हम लोग टाइप ऑफ स्पीड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ स्पीड, इंस्टेड ऑफ सेइंग टाइप ऑफ स्पीड दैट इज इनकरेक्ट, टाइप्स ऑफ स्पीड इज बेटर टू से। टाइप्स ऑफ स्पीड मतलब क्या, थोड़ा सा फिजिकली अगर सोचोगे, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली
कहाँ पे भी होगा, आई डोंट केयर, लेट्स से इनिशियली ओरिजिन पे है। ये ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, राइट राइट। सो दिस ऑब्जेक्ट बेसिकली और पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऐसा नहीं होता, पहले सेकंड में 5 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में 10 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड में 2 मीटर कवर किया, चौथे सेकंड में आई डोंट नो हाउ मच 20 मीटर कवर किया, सो दैट स्पीड इज कॉल्ड एज वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पीड में हाउ कैन वी डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। सो पहला टाइप यूनिफॉर्म स्पीड। सी द थिंग इज, आपके बुक में इतना डिटेल नहीं दिया है, बट वी वॉन्ट, क्योंकि जब मैं मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब एक्स एक्सिस पे पोजिशन, वाई एक्सिस पे टाइम, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे टाइम, तो उससे फिजिक्स कैसे बाहर निकालना है हमको, उससे क्या समझेगा मोशन के बारे में, वो समझने के लिए बेसिक्स पता होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड मैंने जैसे बताया, व्हेन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव, और द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द ऑब्जेक्ट इज said to be moving with uniform velocity, right? बहुत सिंपल था एग्जाम्पल, मैंने बताया था, विल राइट डाउन एग्जाम्पल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट covers 5 meter in each second, then its speed is 5 meter per second, which is uniform. Uniform मतलब constant भी होता है, so constant speed बोल सकते हो, right? तो यहाँ पे मैंने ये वर्ड गलत यूज किया है, सो आई नीड टू करेक्ट। वाई स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन। तो ये छोटे छोटे गलतियों पे हमें ध्यान रखना है, ये गलती होती है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड, नॉट वेलोसिटी। ओके, गुड। तो सेकेंड टाइप, as you have went through first type which was uniform, then second type will be non-uniform. So non-uniform, words mein hi sab kuch hai. Non-uniform matlab not same every time or in each second. So variable speed bhi bol sakte ho usko. Kaise define karenge same lines pe? When an object covers unequal distances, पहले equal था, अब unequal distances है। When an object covers unequal distances in equal intervals of time, then it is said to be moving with non-uniform or variable speed, non-uniform or basically variable speed. Good. Tisra, average speed. Let's
नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग जब स्पीड की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट। नॉर्मली हम लोग एवरेज स्पीड की बात नहीं करते नॉर्मल केसेस में। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं ए सिटी से बी सिटी जाना था मुझे, एंड ए टू बी सिटी का डिस्टेंस था 50 किलोमीटर, टोटल पाथ लेंथ 50 किलोमीटर, मुझे 1 आवर लग गया बेसिकली, राइट। तो माई स्पीड वॉज 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो गया ये, करेक्ट, राइट। तो किसी ने मुझे पूछा तुझे कितना टाइम लगा ए से बी आने के लिए, मैंने बोला 1 आवर। ओके, तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर था, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो आया, बट दैट इज एवरेज। वाई एवरेज? क्योंकि ऐसा तो हो सकता है ना कि रास्ते में स्पीड ब्रेकर आया, मैंने ब्रेक मार दिया, तो मेरा स्पीड कम हुआ होगा, 10 किलोमीटर पर आवर भी हुआ होगा। फिर मैं कहीं पे रुक के मुझे चाय पानी करना था, मैंने वो भी किया, तब मेरा स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर था। फिर कहीं पे बीच में रोड खाली मिल गया, देर वॉज नो ट्रैफिक, मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो एवरेज स्पीड में वी डोंट केयर कि इन बिटवीन क्या हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, सो दैट इज नथिंग बट एवरेज स्पीड, राइट। तो एवरेज स्पीड इज बेसिकली द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। वी डोंट केयर वॉट इज हैपनिंग इन बिटवीन, राइट। गुड, तो एवरेज स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे फिर? इट इज जस्ट अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड या फिर पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टोटल टाइम। राइट, सो देयरफॉर यू कैन राइट डाउन एवरेज स्पीड, लेट अस डिनोटेड बाय वी एवरेज, एंड यू नो दिस इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या फिर टाइम टेकन, वन द सेम थिंग, आई जस्ट से टोटल टाइम। सो वी एवरेज यू कैन डिफाइन एज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस मतलब टोटल डिस्टेंस इस केस में, और डेल्टा टी मतलब टोटल टाइम इन दिस केस। मैं जानबूझ के डेल्टा यूज कर रहा हूँ, बिकॉज डेल्टा दीज आर रिजर्व फॉर स्मॉल वैल्यूज। तो मैं जब डेल्टा एस बोलता हूँ मतलब डिस्टेंस कवर्ड वॉज टोटल बट वॉज स्मॉल, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए स्मॉल टाइम लगा होगा, तो डेल्टा टी, तो डेल्टा कैपिटल, ये डेल्टा कैपिटल लेटर होता है और ये डेल्टा स्मॉल लेटर होता है। दोनों का मतलब बेसिकली सेम होता है, सिर्फ मैथमेटिक्स में हम लोग स्मॉल डेल्टा का यूज़ पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए करते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है वो मैं बताऊंगा एज एंड वेन नीडेड, और हमने ऑलरेडी कल बोला था कि मैं एक पर्टिकुलर एक लेक्चर या दो लेक्चर इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस विच इज़ रिक्वायर्ड इन फिजिक्स उसके लिए करने वाले हैं हम लोग। सो एट दिस मोमेंट वी डोंट नीड, बहुत सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट। तो अभी देखो हमने स्पीड कैसे कैसे डिफाइन कर लिया, यूनिफॉर्म, फिर नॉन यूनिफॉर्म, फिर एवरेज। अब आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे, और रियल लाइफ में हम लोग नॉर्मली जब स्पीड की बात करते हैं तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हो और सडनली आपका स्पीडोमीटर पे ध्यान गया, एंड द स्पीडोमीटर इज शोइंग 60 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज वेलोसिटी, सॉरी दैट इज स्पीड एट दैट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आप स्पीड मेजर करते हो तो दैट इज इंस्टेंटेनियस। ओके, सो डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल है, इट इज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।
इट इज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो जनरली व्हेन वी से स्पीड वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो इन जनरल व्हेन वी से स्पीड वी इट यूजुअली मीन्स और इट रेफर्स टू इट यूजुअली मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट. अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ. बहुत ईजी है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है. लिमिट्स बोलते हैं उसको हम लोग, लिमिट्स. डेरिवेटिव से पहले का कॉन्सेप्ट होता है लिमिट्स, बट यू डोंट नीड दैट इन डेप्थ मैथमेटिक्स हियर, तो समझ जाएगा, बहुत ईजी है. एग्जाम्पल लेता हूँ, वही एग्जाम्पल लेते हैं कि ए सिटी से बी सिटी आना है, 60 मिनट्स लग गए हमको, 1 आवर, टोटल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर. बट मुझे ये देखना है कि 30th मिनट और 31st मिनट, लेट अस जस्ट मार्क समथिंग. मैं ऐसे मार्किंग कर रहा हूँ. ऐसा करते हैं हम लोग, मुझे ये पता करना था कि एग्जैक्टली 31st मिनट पे स्पीड कितना था. जैसे मैंने आपको बताया पहले कि हो सकता है कहीं पे आप रुक गए तो स्पीड इज जीरो, ऐसा हो सकता है कहीं पे आपने डी एक्सीलरेट किया, ब्रेक मारा, स्पीड ब्रेकर दिख रहा है तो कम हो गया स्पीड, फिर आपने वापस एक्सीलरेट किया. तो हमें क्या चाहिए कि एग्जैक्टली 31st मिनट पे कितना स्पीड था, करेक्ट. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक छोटा टाइम इंटरवल ले लेंगे डेल्टा टी, फॉर एग्जाम्पल 30 and 32. तो ये 30 मार्क हो गया या 32 हो गया, ये टाइम स्केल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिस्टेंस की नहीं, राइट, करेक्ट. अब क्या करेंगे, ये जो टाइम इंटरवल लिया है मैंने, टाइम इंटरवल जो लिया है इसको छोटा करते जाऊँगा मैं. कब तक छोटा करूँगा, जब तक मैं एग्जैक्टली 31 पे नहीं पहुँचता तब तक. क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब 31st मिनट पे. तो मैंने क्या देखा कि 30 मिनट पे मैं, क्योंकि हम लोग ए सिटी से बी सिटी पे जा रहे हैं ना, तो 30 मिनट पे लैंडमार्क 1 आया होगा, 32 मिनट पे लैंडमार्क 2 आया होगा. मुझे ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट लैंडमार्क और सेकंड लैंडमार्क का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर है. मुझे 1 किलोमीटर क्रॉस करने के 2 मिनट लग गए थे, तो 1 किलोमीटर क्रॉस करने के 2 मिनट लग गए, तो हमको ऑलरेडी पता है कि 30 और 32 के बीच में हमारा स्पीड कितना रहा होगा एवरेज, राइट. थोड़ा लिंक करो, फिजिक्स इमेजिन नहीं करोगे तो समझेगा नहीं, और अगर एक बार आपको ये आदत पड़ गई तो रियलाइज टू इमेजिन थिंग्स, तो इट इज़ वेरी इजी. सो व्हाट आई ऑलरेडी नो इज कि ये जो 2 मिनट में मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है मुझे पता है. मुझे पता करना था कि 31st मिनट में मेरा स्पीड क्या रहा होगा. तो मैं क्या करूँगा, मैं ये टाइम इंटरवल को छोटा छोटा कर जाऊँगा, मतलब मैं 30 से 31 की तरफ जाऊँगा और 32 से नेगेटिव डायरेक्शन में 31 की तरफ जाऊंगा, राइट. अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वी एवरेज बेसिकली. तो आपको पता है व्हाट इज वी एवरेज, सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वी एवरेज ओवर टाइम. लेट मी जस्ट इम्प्रूव ओवर माई हैंड राइटिंग हियर, आई डोंट वॉन्ट. यस, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑल्सो डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड ओवर टाइम इंटरवल, या फिर आप इसको ऐसा भी रीड करते हो, लिमिट एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकमिंग जीरो, और वी एवरेज आपको पता है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और लिमिट ओवर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को आप डी एस बाय डी टी से डिनोट करते हो. तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड वी.
तो और एक डेफिनेशन बन गया आपका, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड ओवर अ स्मॉल टाइम इंटरवल. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड एज टाइम इंटरवल बिकम्स स्मॉल. राइट, मतलब डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो. मैं वापस आइडिया बता रहा हूँ आपको, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एवरेज स्पीड के साथ. एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन किया था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. ये डेल्टा एस हमको पता है, मैंने बताया था आपको, डेल्टा एस मतलब ये लैंडमार्क वन और लैंडमार्क टू के बीच का डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर. मुझे डेल्टा टी भी पता है कितना, 30 और 32 मिनट के बीच में लैंडमार्क वन और लैंडमार्क टू क्रॉस हुआ हमारा, मतलब 2 मिनट. तो मुझे ऑलरेडी एवरेज स्पीड पता था बिटवीन 30 एंड 32 मिनट्स. मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये सब नंबर्स ले रहा हूँ यहाँ पे. दैट वॉज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, दैट इज 1/2 किलोमीटर पर मिनट. राइट, तो ये हमको ऑलरेडी पता था. बट हमें चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए एग्जैक्टली व्हाट वाज माय स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और वो इंस्टेंट मैंने इस एग्जांपल में 31st मिनट बोला है. सो मुझे ये चाहिए दैट आई वांट टू नो व्हाट वाज माय स्पीड एट 31st मिनट. तो हमने क्या किया, वो जो टाइम इंटरवल था डेल्टा टी, उसको लेफ्ट एंड से राइट एंड से अप्रोच करते गए, 30 से आगे और 32 से टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, जब तक 31 नहीं आता, मतलब टाइम इंटरवल को छोटा छोटा करते गए जब तक हम लोग 31st मिनट पे नहीं पहुंचे. इसको मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी एस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. ये लिमिट्स डेरिवेटिव्स आप मैथ्स में सीखने वाले हो, नहीं भी होगा तो मैं करवाने वाला हूँ. जिनका मैथ्स नहीं है डोंट वरी, फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है वो मैं करवाने वाला हूँ. राइट, ओके. सो जस्ट To summarize, instantaneous speed मतलब एक particular given time पे कितना speed. Average speed मतलब average speed, total distance upon total time. I don't care बीच में मेरा speed कम हुआ, ज़्यादा हुआ, मैं रुक गया, मैंने fast किया, nothing. I don't care about that in average speed. But why am I talking about, when I am talking about instantaneous speed, I am talking about speed at a given particular instant of time. That's it. Simple. Good. So now we have categorized speed into four: uniform, non-uniform, average, and instantaneous. Similarly, velocity, हम लोग velocity के बारे में बात कर सकते हैं. जैसे हम लोगों ने speed define किया, वैसे हम लोग velocity define कर सकते हैं. Speed कैसे define किया था हमने? Ratio of total distance to that of total time, या फिर rate of change of distance. यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग the rate of change of displacement. So velocity is nothing but the rate of change of displacement. क्योंकि यहाँ पे आप displacement word use करें तो velocity will become a vector quantity. So the rate of change of displacement with time is called as velocity. Or velocity is the ratio of displacement to that of time interval during which the motion takes place or during which the displacement occurs. Right?
अब ऐसा है कि वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट थिंग लेट अस जस्ट पुट इट पॉइंट बाय पॉइंट। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद सिंबल वी बार। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Having symbol v bar, v bar. दूसरा इसके डायमेंशंस होंगे, इसके डायमेंशंस और स्पीड के डायमेंशंस दे आर एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड होता है। सो डायमेंशंस आर एल वन टी माइनस वन। मैं m रेस्ट टू जीरो नहीं लिखूंगा, सो आई डोंट फॉलो दैट कन्वेंशन जहाँ पे अगर मास इन्वॉल्व नहीं है तो एम रेस्ट टू जीरो लिखो। नो आई डोंट डू इट। जो है उतना लिखेंगे हम लोग। ओके सो फिर यूनिट्स की बात करनी पड़ेगी। नॉर्मली आई विल जस्ट टॉक अब इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स, दैट इज मीटर पर सेकेंड। देन जैसे हमने टाइप्स ऑफ स्पीड देखा था, यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस जैसे आपने वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड डिफाइन किया था, यहाँ पे आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन करोगे। अगर आपको याद होगा यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या था, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम then it is said to be moving with uniform speed, correct? Right. यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? यहाँ पे direction भी specify करना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे? A particle is said to have uniform velocity if magnitude as well as direction of velocity remains the same. या फिर a particle is said to have uniform velocity if it covers equal distances in equal interval of time in the same direction. So you cannot change direction here. So aisa bhi define kar sakte ho, right? So I just want to keep notes on the same track. Mujhe easy banana hai subject. So that's why aapne kaise define kiya tha yahan pe, when an object covers equal distances in equal intervals of time. Iske aage se aapko extra do teen words dalne padenge in the same direction. तो वो बन जाएगा वेलोसिटी। सो विल डू दैट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम without change in direction या फिर बोल सकते हो in the same direction, then the object is said to be moving with uniform or constant velocity. Uniform velocity. This is one way of writing it. Other way of writing it is a particle is said to have uniform velocity if magnitude as well as direction of its velocity remains same. Okay, so aisa bhi bol sakte ho aap, but I will not go into that. Then second type, non-uniform or variable velocity. Right. So when an object covers unequal distances in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, इंटरवल्स ऑफ टाइम, और तो या तो क्या होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट पहले 1 सेकंड में 4 मीटर कवर किया, दूसरे 1 सेकंड में 8 मीटर कवर किया, तीसरे 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, और देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग विथ, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरिएबल वेलोसिटी, राइट, गुड. सो यू हैव टू पे अटेंशन एट वर्ड्स. तो जैसे थर्ड केस वहां पे था, क्या था, एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी. जैसे वहां पे आपने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोला, यहाँ पे बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो, राइट. सो इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो, जैसे डिस्प्लेसमेंट बोलो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनली तो फाइनल वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल होता है, तो टोटल वर्ड सॉरी डिस्प्लेसमेंट के आगे हार्डली यूज होता है. सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू दैट ऑफ टाइम. ओके, गुड, गुड इनफ. हाउ टू डिनोट इट, सिंपल. So average velocity we will be denoting by velocity. I am putting t here. Okay. So it is v average bar. हम लोग symbols को same रखेंगे. I don't care what books use, delta s bar या फिर delta x bar या फिर delta r bar. But just delta s bar by delta t. Delta t के ऊपर bar डाला, इसका मतलब आपको physics नहीं समझता है. डेल्टा टी टाइम स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. अगर ऐसा होता, अगर टाइम वेक्टर क्वांटिटी होता, तो वी कुड हैव वेंट बैक इन टाइम, है ना, क्योंकि अगर डायरेक्शन है तो हम लोग पास्ट में फ्यूचर में जा सकते हैं. वी कैन नॉट गो बिकॉज इट्स स्केलर क्वांटिटी. एनी वेज वी डोंट वांट टू गो इनटू हायर फिजिक्स, लिमिटेड. ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का नोटेशन. अभी लास्ट चीज जो है वो है, जैसे वहां पे था इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पे भी है इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मैं एग्जांपल, मुझे पता है मैं मेरी गाड़ी को ईस्ट डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, और मैं ईस्ट डायरेक्शन में जाते जाते मैंने गाड़ी के स्पीडोमीटर पर देखा, इट इज शोइंग मी 60 किलोमीटर पर आवर, एंड आई नो आई एम मूविंग इन ईस्ट. सो 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, that becomes instantaneous velocity because I am measuring velocity at that particular instant of time. Simple. Okay, good. तो अभी कैसे करेंगे इसको, वैसे ही जैसे last time किया था वैसे ही उसको define कर देंगे ना. क्या किया था हमने, average नहीं, instantaneous. It is a speed of particle at given instant of time. So it is velocity of particle at a given instant of time. Okay, then limiting values वो सब लिख सकते हैं हम लोग. So it is the velocity of an object or particle at a particular instant of time. Good. Define करने के तरीके अलग भी होते हैं, but I'll just try to keep it as simple as possible. Then by definition, instantaneous velocity is limiting value of every velocity. So instantaneous velocity
दैट इज जस्ट वी बार, एवरेज नहीं लिखना है यहाँ पे, इट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल इज बिकमिंग स्मॉल. तो लॉजिक सेम ही है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड में था यहाँ पे भी वही है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ डायरेक्शन इन्वॉल्व रहेगा. हमको पता है कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. सो टू डिनोट इट वी विल जस्ट से लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एंड यू नो इट वॉज डेल्टा एस बार बाय डेल्टा टी, एंड दिस विल बी डी एस बार बाय डी टी. जैसे उसको डी एस बाय डी टी किया था, इसको यहाँ पर डी एस बार बाय डी टी करेंगे, राइट. तो बहुत सिंपल था. लेट्स समराइज कि हमने आज क्या किया. सो समरी फॉर टुडेज लेक्चर इज, हमने आज सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन किया है. स्पीड था आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब पाथ लेंथ अपॉन टाइम. वेलोसिटी था आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट. देन इसके इसका सिंबल था वी, इसका सिंबल था वी बार. इसके डायमेंशंस थे एल वन टी माइनस वन, इसके भी डायमेंशंस थे एल वन टी माइनस वन. इसका यूनिट आया मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट आया मीटर पर सेकेंड. इसके हमने चार टाइप देखे. पहला टाइप था यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जब एक पार्टिकल हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पे भी वही है, सिर्फ डायरेक्शन भी सेम रहेगा. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन द सेम डायरेक्शन और विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, देन द पार्टिकल इज सेड टू बी परफॉर्मिंग और हैविंग और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फिर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, मतलब अ पार्टिकल इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. पहले एक सेकेंड में चार मीटर, दूसरे सेकेंड में छः मीटर, तीसरे सेकेंड में तीन मीटर, समथिंग लाइक दैट. सिमिलरली यहाँ पे व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal intervals of time or there is change of direction, then the particle is said to be moving with non-uniform velocity. I have written non-velocity, that is non-uniform velocity. Anyways, so it's non-uniform velocity. Then, उसके बाद आपने बात किया था average speed का, यहाँ पे भी बात था आपने average velocity. तो व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, वी डोंट केयर कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा था, ए सिटी से बी सिटी में जा रहा हूँ, इन बिटवीन क्या हो रहा है, आई डोंट केयर. इन बिटवीन आपने वो स्कूल में स्टोरी भी पढ़ी होगी, रैबिट और सम रेस, टर्टल तो बीच में आराम करता है, राइट. वो हार जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट द सेम थिंग. मैं ए सिटी से बी सिटी में जा रहा हूँ, मैं बीच में रुक गया कहाँ पे, या फिर मेरा स्पीड कम हुआ स्पीड ब्रेकर देख के, या फिर रोड देयर इज नो ट्रैफिक और मैंने अपना स्पीड बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन कर दिया, वी डोंट केयर. इट इज जस्ट टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस अपॉन टाइम. एवरेज वेलोसिटी इज द सेम थिंग, जस्ट बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, समझ लेना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है. देन नोटेशन आपको मैंने बताए हैं, that is delta s by delta t, this is delta s bar by delta t, I'm not putting it there because I don't have space. फिर instantaneous speed की बात होती है, तो instantaneous speed मतलब at a particular instant of time, अभी के time पे, इस second पे क्या speed है मेरा, zero, I am sitting, so I am talking about instantaneous speed. Yes, this is one example, good example. My speed, instantaneous speed is zero, right? But maybe मैं जब 1 hour की बात करता हूँ, 2 hour की बात करता हूँ, 4 to 6, my speed is not zero, क्योंकि मैं 4 बजे यहाँ से निकल के कहीं गया था, फिर बुक लेके वापस आया, okay? So total distance by total time, वापस जाऊँगा मैं, for example, तो 2 hour में मैंने total distance कितना cover किया,
दैट इज एवरेज स्पीड, बट इंस्टेंटेनियस की बात करोगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जीरो. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड यू ऑलरेडी नो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. When I say velocity, I am talking about speed plus direction, because magnitude of velocity मतलब speed. तो instantaneous velocity जब मैं बोलूँगा, इसका मतलब होता है what is the speed of a particle in a given direction, right? So that's sufficient for today.